चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आह्वान किया गया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध जताया है उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। दुकानों को बंद कराने सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता भी इसका समर्थन कर रहे हैं, उदयपुर हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आह्वान किया गया है, और दुकानों को बंद करने के लिए सड़कों पर बीजेपी भी उतरेगी। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में लोगों में आक्रोश है, और आज इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा आह्वान किया गया है दुकानों को बंद कराने के लिए, अब बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध जताया है उदयपुर हत्याकांड का, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। और इसी के साथ जो भाजपा कार्यकर्ता है वो भी अब दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि उदयपुर हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में ये आह्वान किया गया है। नुपुर शर्मा ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी के चलते उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में अब ये बवाल मचा हुआ है और छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आह्वान किया गया है, और इसी के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उदयपुर हत्याकांड को लेकर ये पूरा विवाद, पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नुपुर शर्मा ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें उदयपुर में एक घटना घट गई, जिसमें कुछ लोगों ने उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी, जिसके मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आह्वान किया गया है, और बीजेपी कार्यकर्ता भी अब दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तस्वीरों में नजर आ रहा है बंद का असर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरी सड़कें वीरान नजर आ रही हैं, दुकानें बंद नजर आ रही हैं, साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर दुकान बंद का आह्वान किया गया है, और बीजेपी कार्यकर्ता भी दुकानों को बंद कराने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे। हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। सीधी तस्वीर हम छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वीरान पड़ी हुई हैं, पूरी सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ता बजरंग दल के, हिंदू परिषद वहां पे नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर उदयपुर हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आह्वान किया गया है उदयपुर, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वशिष्ठ दास महंत सीतापुर से। वशिष्ठ, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा, जी किस तरह की स्थिति वहां पर? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है वशिष्ठ जी? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है किसी
तकनीकी कारण से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बंद का आह्वान किया गया है। उदयपुर मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। पूरी सड़कें वीरान नजर आ रही हैं, दुकानें बंद नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें हम छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, नजर आ रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी साफ नजर आ रहे हैं कि बंद को लेकर कितना असर वहां देखा जा रहा है। सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बजरंग दल और हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतरेंगे दुकानों को बंद कराने के लिए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर मामला ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और इस विवादित टिप्पणी को लेकर उदयपुर में एक टेलर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में ये बंद का आह्वान किया गया है। लगातार इस घटना का विरोध किया जा रहा है और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी बंद का आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वहां पर भी बंद का आह्वान किया गया है हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से। उन्होंने उदयपुर घटना का विरोध किया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद साजिद रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है, वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी मोहम्मद, मोहम्मद क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कि किसी तकनीकी कारण से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का ये मामला है, जहां पर हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान कर दिया है छत्तीसगढ़ बंद का। दरअसल उदयपुर हत्याकांड को लेकर बजरंग दल और हिंदू परिषद विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी अब दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से, और इसी के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी दुकानों को बंद कराने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि उदयपुर हत्याकांड का विरोध लगातार जारी है, लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसके चलते ही अब छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उदयपुर मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि दो लोग आरोपी हैं, लेकिन अब नया खुलासा हुआ है, जिसमें पांच लोग आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो लोग दुकान के अंदर थे और दो लोग बाहर थे। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। मोहम्मद, किस तरह की स्थिति वहां पर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हाल है वहां के इस बंद को लेकर? मोहम्मद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से ये खबर है, जहां पर दुकानों को बंद कराने के लिए अब भाजपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। उदयपुर घटना का विरोध लगातार जारी है। उदयपुर में जो हत्याकांड का मामला हुआ है, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसी बीच अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ये आह्वान किया गया है। चलिए, और मोहम्मद साजिद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं रायपुर से। मोहम्मद, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर आह्वान को लेकर, बंद को लेकर? जी, यहाँ पर जब से उदयपुर की जो घटना हुई है, तो
छत्तीसगढ़ की एक खबर, जहां पर दुकानों को बंद करने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बता दें कि उदयपुर का जो मामला हुआ है, उस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ताओं में विरोध देखा जा रहा है, जहां हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर यह आह्वान किया गया है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब ये आह्वान किया गया है छत्तीसगढ़ में, और इसके समर्थन में अब बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे और दुकानों को बंद कराएंगे। सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान जो किया गया है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लोग आरोपियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं, और इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तनवीर आलम जुड़े हुए हैं लाइव। सीधे वही तनवीर की तरफ हम रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं किस तरह से आह्वान का वहां पर असर दिखाई दे रहा है। भोपाल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसा कि उदयपुर में एक निर्मम हत्या जो हुई थी कन्हैया लाल की, उस हत्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगभग सभी में काफी आक्रोश है, लेकिन वहीं से देखा जाए तो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया, उसका सीधा सीधा असर जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जा सकता है। वहीं आज हम बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इसका बंद का अच्छा खासा असर देखने मिल रहा है। जी, ये खबर छत्तीसगढ़ से, और एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर कर दुकानों को बंद कराएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि जैसा सुबह से ही पहले से ही छत्तीसगढ़ की तरफ से बीजेपी की तरफ से ये लोगों को बता दिया गया था, एक दो दिन पहले से ये लगातार सूचनाएं चल रही थी कि शनिवार को पूरे प्रदेश बंद किया जाएगा, और सभी का इस पर लगभग व्यापारी को समर्थन मिला। तो वहीं पे आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, और बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता, सभी लोग सड़क पर उतरे और शहर को बंद कराने की लोगों से अपील की गई, जिसका लोगों ने उनका भरपूर साथ ये देखा कि जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे साथ कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता है, और अन्य भी कार्यकर्ता है, व्यापारीगण है, सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं इनसे बात करना चाहूँ तो क्या है कि बताइए, क्या नाम है आपका? सौरभ अग्रवाल। आज जो पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बंद है, तो किस प्रकार का बंद है और क्या है वहाँ का? ये उदयपुर की घटना कन्हैया लाल की जो मर्डर मिस्ट्री हुई थी, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं किराना संघ गौरेला हम लोग बंद करने के पूरा उसमें थे, और पूरा यहाँ पे सहयोग मिला सबका, बहुत अच्छे से बंद हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बंद का सहयोग मिल रहा, सभी जगह से सहयोग मिल रहा, और क्या आप लोगों ने कोई रैली वगैरह का आयोजन किया था? नहीं, हम लोग रैली निकाले थे, बट सबको मतलब एक आग्रह किए थे सबसे जाके कि भैया उस कांड के उसमें शांति के हिसाब से बंद करिए, सब ने सहयोग दिया। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक अपील की लोगों से छत्तीसगढ़ बंद को लेकर और शहर को बंद कराया गया। मेरे साथ और भी मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल, आप क्या हैं? किराना व्यापारी संघ का अध्यक्ष। अच्छा, आप किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। पीयूष अग्रवाल जी, ये बताइए जो छत्तीसगढ़ आप लोगों ने आज बंद कराया है, इसमें दिख रहा है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार की आप लोग कार्रवाई चाहते हैं कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है, दोबारा ऐसी कोई ना हो कि ये आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद किया गया है, और हम ये सरकार से आह्वान करते हैं कि कभी भी दोबारा फ्यूचर में भी ऐसी कोई घटना ना हो, और आप इसमें हमारा सहयोग।
आपने ये जो बंद का आह्वान के लिए लोगों से अपील की थी, तो क्या किसी प्रकार की आपको दिक्कत पैदा हुई? पुलिस प्रशासन का आपको कैसा सहयोग मिला? पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग था हमारे साथ और कहीं भी हमें कोई समस्या नहीं आई। हम हर दुकान गए, देखा कि सारी दुकान लगभग लगभग बंद। जी जी तनवीर, किस तरह से ये आह्वान का ऐलान किया गया है, क्या और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस आह्वान को देखते हुए? जी बिल्कुल, जैसा कि शुरू से मैंने आपको बताया कि जैसा ये पहले से ही लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये मैसेज पहुंचाया गया था कि शनिवार को बंद का आह्वान किया गया, वहीं पे पुलिस प्रशासन भी और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था। जगह जगह, गली गली, चौराहों पे प्रशासन के लोग मौजूद थे और पुलिस प्रशासन की चौक पे, चौराहे पे चौक चौन नजरें थी कि किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्वों द्वारा प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जिससे इस क्षेत्र का माहौल खराब हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका तनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की सारी तस्वीरें साझा करने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में आह्वान किया गया है बंद का। आपको बता दें कि हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ये आह्वान किया गया है और इसमें अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि वो सड़कों पर उतर कर दुकानों को बंद कराएंगे। आपको बता दें कि उदयपुर हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और इस छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का भी समर्थन नजर आ रहा है, सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जो बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में एक टेलर की हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल की, जिसको लेकर विरोध जारी है और इसी के चलते अब छत्तीसगढ़ में आह्वान किया गया है बंद का। हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से यह आह्वान किया गया है। नुपुर शर्मा ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ये आह्वान किया गया और अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सड़कों में आह्वान का असर दिखाई दे रहा है। पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों को, लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है हिंदू परिषद और बजरंग दल को, जिसका असर देखने को सड़कों पर मिल रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ मोहम्मद साजिद भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। मोहम्मद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मोहम्मद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी और मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बंद का असर है सुबह से देखा जा रहा है और यहाँ पर सड़कों पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जिन्हें की भाजपा का सपोर्ट मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है, तो सारे लोगों ने मिलकर बंद करा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के साधारण है उनमें भी एक भावना है कि इस तरह के कृत्य, इस तरह के जो हुए हैं, जो इस तरह के जो घटना उदयपुर में हुई ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। तो जिसका समर्थन आम नागरिक भी रायपुर का छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो सुबह से ही बाजार दुकानें बंद है और ऐसी ऐसी रायपुर की बात नहीं है, सारे छत्तीसगढ़ की बात है। जो छत्तीसगढ़ के जो सटे हुए शहर है दुर्ग, भिलाई, वहाँ पर भी जो हाईवे से जो कनेक्टिविटी होती है उस पर भी जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो लगातार बाइक रैली कर रहे थे और दुकानों को बंद करवा रहे थे। और इसी को लेकर कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जितने भी व्यापारियों थी, व्यापारियों की एक मीटिंग में बैठक ली शाम को, जिसके बाद उनके समर्थन के बाद में इस तरह का बंद कराया गया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दोपहर 2 बजे तक ही बंद कराने की बात कही गई है। ये जो उदयपुर की घटना है इसको लेकर किस तरह का आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है वहाँ के? जी, जैसे कि मैंने कहा कि व्यापार तो हर दिन होता ही है, लेकिन इस तरह की घटना अगर किसी देश में होती है तो देश के समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। इसे कई सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि धार्मिक तौर पे ना देखकर इसे एक अपराध की तरह ही देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस तरह के अपराध ना हो। तो इसके लिए आम जनसाधारण का भी सहयोग है। लेकिन कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर, उनके तरफ से एक बयान आया, सुशीला शुक्ला जी जो मीडिया प्रभारी हैं इनके, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो भी कृत्य होते हैं उसको लेकर एक पॉलिटिकल जो कहा जाता है, पॉलिटिकल से राजनीतिक क्रिया नहीं की जानी चाहिए, इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं की जानी चाहिए जिससे देश में जो है बढ़ता रहा।
हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ये आह्वान किया गया है, किस तरह की मांग है उनकी जिसके चलते उन्होंने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं वो इस मामले को लेकर? जी, इस तरह की मतलब यहाँ पर जो भी अपराधी थे जो उदयपुर में जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था उनके लिए ये फांसी की सजा मांग रहे हैं और एक कड़ा कानून मांग रहे हैं, लेकिन इसके आज तो बंद करवाया इन्होंने, लेकिन छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े हर शहर में दो तीन दिनों से विरोध लगातार जारी रहा है। मैं हमने कल ही खबर चलाई थी मंदिर असोद और कई जिलों में यहाँ पर इस तरह के घटना विरोध प्रदर्शन दिखाया गया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जिसको पूरी तरह से भाजपा ने भी समर्थन दिया है और इसके साथ साथ अंत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया, जिस तरह से पूरा का पूरा प्रदेश पूरा का पूरा शहर बंद हो गया बाजार के साथ साथ, और पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। रायपुर राजधानी है, यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस ने बाहर से 400 अन्य बलों को बुलाया है और रिजर्व पुलिस को भी रखा गया है जो कि चौक चौराहा पर दिखाया जा रहा। मैं आपको यहाँ का एक कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि यहाँ का मार्केट दिखाया कि किस तरह से बंद है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी बंद है। देखिए आप, मेडिकल स्टोर भी बंद रखा गया है, जो कि मेडिकल स्टोर जो होता है 24 घंटे खुले रहने चाहिए, जो कि मेडिकल स्टोर बंद है और ये के प्रमुख के इलाका कहलाता है न्यू नया राजेंद्र नगर रायपुर का, तो इसे पूरी तरह से बंद रखा गया है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर भोपाल छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला है। पूरे इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था उसने उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भोपाल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, और जिसके बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता है भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि दुकानों को बंद कराने के लिए वो भी सड़कों पर उतरेंगे। छत्तीसगढ़ में दिखा छत्तीसगढ़ बंद का असर नजर आया। बता दें कि दुकानों को बंद कराने के लिए कार्यकर्ता बीजेपी के सड़कों पर उतरेंगे, और इसी के साथ आपको बता दें कि बजरंग दल और हिंदू परिषद ने ये आह्वान किया था। उदयपुर में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर ये आह्वान किया गया है, उसका विरोध कर रहे हैं लगातार हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिसको लेकर आज उन्होंने ये आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान उन्होंने किया था और उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर उदयपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है सूनी गलियां, सूनी रोडें, लोग नहीं है, दुकानें बंद है, जहां तक कि मेडिकल स्टोर भी बंद रखी गई है। सभी चाहते हैं कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको लेकर और इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए आज हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये आह्वान किया, और सभी चाहते हैं कि वो जो घटना घटी है उदयपुर में उस घटना को लेकर उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जैसे कि आने वाले समय में इस तरह की घटना सामने ना आए। बता दें कि पहले से पूरी रणनीति बनाई गई थी उस कन्हैया लाल की हत्या करने के लिए, नए नए खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। पहले दो लोगों के शामिल होने की खबर थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। आपको बता दें कि 2 लोग दुकान के अंदर थे और 2 लोग दुकान के कुछ दूरी पर खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें आशंका थी कि अगर कहीं उनके साथी पकड़े जाते हैं तो वो उन पर उन्हें बचाने के लिए तलवार लेकर वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी एक फरार चल रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन फिर भी इस मामले ने तूल पकड़ रखा है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिला है, जहां पर बंद का आह्वान किया गया और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कें पूरी सूनी नजर आ रही है, सीधी तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं।
छात्रों में बंद का आह्वान है। और इसी के साथ हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं वशिष्ठ दास महंत। वशिष्ठ जी, जिस तरीके से हमने अभी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में असर देखा, अभी हमने देखा गोरेला में और रायपुर में भी बंद का असर नजर आ रहा है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो स्थिति सीतापुर में निर्मित हुई है वो कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। यहाँ पे इस घटना को लेके जो विरोध प्रदर्शन आज किया गया, यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी, यहाँ तक कि जो चिकित्सा सुविधाएं थी, मेडिकल स्टोर थे, उन तक को यहाँ बंद करा दिया गया है और लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया है। आपको बता दूं कि सीतापुर के जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या जो भाजपा के कुछ सदस्य हैं, वो प्रॉपर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इनके द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया और ये चारों तरफ जो दुकानें हैं, सीतापुर के जो माहौल है, उनको पूरी तरह से इन्होंने बंद करा दिया। अभी स्थिति आपको बता दूं कि सीतापुर में अभी तक दुकानें जो है कोई नहीं खोला है और सब जितने व्यापारी हैं उन्होंने भी पूरी तरह से इस बंद को अपना समर्थन दिया है। कितने बजे से यहाँ पर दुकानें बंद रखी गई हैं? लगभग ये काम जो है 10 बजे से, हालांकि दुकान तो पहले से ही बंद है। कल की बात मैं आपको बता दूं कि कल से ही व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को जो है मिलजुल कर इसके बारे में बता दिया गया था कि सीतापुर बंद रहेगा इसके विरोध में, और इसका समर्थन करते हुए जितने भी व्यापारी गण हैं उन्होंने इसके समर्थन में पूरी दुकानें सुबह से ही बंद रखी हैं। कुछ लोगों ने खोलने का प्रयास किया था जो जरूरी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही यहां से जुलूस निकला है, लोग सीतापुर में भ्रमण करने लगे हैं, सभी ने अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद कर। तो क्या भाजपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं? जैसा कि जानकारी मिली है कि भाजपा कार्यकर्ता दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीतापुर क्षेत्र में जो हिंदू संगठन है उसके साथ बजरंग दल और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो भाकर्ता हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन दिया है और सभी ने मिलजुल कर इस आंदोलन को जो है सफल बनाया है और सब जो है एकजुट होकर इस हत्याकांड का विरोध इनके द्वारा किया गया। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो लोग? यहाँ जो लोग हैं उनके मन में इस घटना को लेकर काफी ज्यादा रोष है। इनका कहना है कि उन जो आरोपी हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है वो काफी जघन्य है और इन लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। हर व्यक्ति को अपने बात रखने का, समर्थन देने का हक होता है और उन्होंने वही कार्य किया था, लेकिन अगर जो एक वर्ग है जिन्होंने इसके ऊपर जो है अपना दबाव बनाया है, उसकी हत्या की है, तो यह जो है काफी निंदनीय है। उनके द्वारा किसी की भावनाओं को दबाने के लिए उसकी हत्या की गई है, तो इसके लिए इनके मन में काफी रोष है और ये चाहते हैं कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए और उनको फांसी दिया जाए। अगर उससे कम सजा दी जाती है तो इनका उग्र आंदोलन चलता रहेगा। आपके पीछे कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी। जी, मैं इसके बारे में बात करूंगा। सर, आज आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई कन्हैयालाल साहू जी का हत्या हुआ जी। और हत्या भी अब एक बहुत ही विचित्र घटना है भारत देश की, अब के डेट में कहा जा सकता है। सामने वाले घात लगा करके बैठे हुए थे और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को थी जी। इसकी प्रशासन को जानकारी दिया गया था, उन्होंने सुरक्षा मांगा था जी। सुरक्षा मांगने के बावजूद भी उनकी हत्या हुई है और इसके बाद भी सरकार कहती है त्वरित कार्रवाई हमने किया। जब उस आदमी की जब हत्या होगी, उसकी जान चलेगी, तो त्वरित कार्रवाई का क्या लाभ? तो जिस तरह से आप लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार जो है उनको फांसी की सजा या उनके लिए कड़े से कड़े सजा का प्रावधान करेगी? सरकार से हमारी, हम सभी की मांग तो यही है कि उसको, उस दरिंदे को, उस हत्यारे को, उस जिहादी को, उस आतंकी को, जो उसके बारे में जितना कहें उतना कम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा और त्वरित उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसको फांसी की सजा देना चाहिए। जिस तरह से आज सीतापुर में बंद का माहौल देखने को मिला, जिस तरह से आप लोगों का और व्यापारी वर्ग का, यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन मिला, आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जो सनातनी है वो इसका दिल से विरोध कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे सीतापुर के नगरवासी, सभी समस्त हिंदू नगर भाई बंधु भी इसमें शामिल रहे और बजरंग दल के से भी सहयोग हमको मिला है और समस्त हिंदू समाज के सभी जन लोगों में आक्रोश है
और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लुका छिपी का खेल बार बार हिंदुओं के साथ बर्बरता पूर्वक हत्या करने की घटना सामने में आ रही है, ये घटना बर्दाश्त से बाहर है। जी मैं आपको बता दूं कि इनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर उनकी हत्याएं की जा रही है, इसको हिंदू संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह इनके प्रति आवाज उठाता रहेगा और शासन से अनुरोध करता रहेगा कि जो इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उनके इस आह्वान के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे इनके द्वारा? जी मैं इसके लिए बात करना चाहूंगा। सर अगर शासन के द्वारा इन लोगों के प्रति कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जाता तो आप लोगों के द्वारा किस तरह के आगे की क्या योजना है, आप लोग किस तरह से कदम उठाने की सोच रहे हैं? देखिए हत्याएं तो जी बिल्कुल तालिबानी सोच है। भारत में ये पहली ऐसी घटना है जो तालिबानी सोच को प्रदर्शित करती है। मतलब हम लोग सोचते ईरान इराक उधर सुनसरिया ये घटना देखते थे, उसकी पुनरावृत्ति भारत में होनी शुरू हो गई है, तो निश्चित ही हर हिंदू के मन जो है उद्वेलित है। और ये सिर्फ एक आक्रोश ही नहीं है, अब जो है भारत माँ खून मांग रही है। जिस तरह की ये जो स्थिति निर्मित हो रही है कि कोई भी कुछ भी सोशल मीडिया पे अपना वक्तव्य दे देता है, अपना बयान दे देता है, उसके बाद उसकी सीधे उसको टारगेट में लेके हत्या कर दी जाती है, तो अगर ये माना जाए क्या लोगों में इस तरह के कृत्य करने का डर नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह उसने वीडियो जारी किया है, मारने के बाद भी उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं है, मुस्कुरा रहा है। सोचिए उसका कितना ब्रेन वॉश किया गया है। और सिर्फ ये दो आतंकी ही नहीं है, इनका पूरा एक नेटवर्क सामने आ रहा है। अभी एनआईसी की जांच में आ रहा है, पूरे राजस्थान में जो जांच चल रही है। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरी की पूरी इनकी कड़ी लगी हुई है इसमें। जी मैं आपको बीच में, और जिस तरह से ये कृत्य किए जा रहे हैं समाज में, इसके चलते मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है, सभी लोग चाहते हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।